तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये लिव इन रिलेशन ये जो चल रहा है ये हमारे समाज को चौपट करेगा। नहीं नहीं बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, उनको ऐसा दबाव डालते हैं, बड़े कटु व्यवहार होते हैं। अब एक बच्चा मतलब एक बच्ची परस्पर, अब अगर आजीवन वही स्वीकार करके चले जाओ तो चलो हम मान भी लेते हैं, लेकिन चार दिन बाद तुमने छोड़ दिया, अब उसका जीवन क्या? अब वो दूसरे को उसने चार दिन, अब उसका जीवन क्या? हमारे धर्म में उसको क्या बोलेंगे? व्यभिचारी तो बोला जाता है, व्यभिचारी को क्या कहते हैं? कोई अच्छा चरित्रवान थोड़ी कहते हैं। तो आज ये व्यभिचारी तो बढ़ रहा है, इसे कोई फ्रेंड कहते हैं? हम मानते हैं हम आप फ्रेंड कर दोस्ती करते हैं, पर आजीवन तब तो मानेंगे ना। अब मान लो बच्चा बच्ची प्रेम करे, हम कहते ठीक है मान लिया, युग धर्म के अनुसार तुम करो प्रेम, लेकिन एक से करो और आजीवन पहले चयन कर लो और दोनों आजीवन चयन करके माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेके पाणी ग्रहण करो। एक दिन तुमको ये दंड देंगे, दूसरे का जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, पराई बहन बेटियों से व्यभिचार करता है, अधर्म आचरण करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अभी जवानी है, थोड़ा कर लो फिर आगे आपको पता चलेगा, शरीर में ऐसे भयंकर रोगों की सूचना हो जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। मांस खाने के बाद जाने तो वायु लेना मुश्किल हो जाएगी, ये बहुत कठिन संसार है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं जहां तक हो सके ये गंदे आहार से, गंदे पेय से, गंदे आचरण से बचा जाए और भगवान का कुछ न कुछ नाम लिया जाए, राम कृष्ण हरि थोड़ा, जिससे मंगल होना शुरू हो जाए। महर्षि मेरे जिम में कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत डरते हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चों ने नॉनवेज वांडा छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसलिए डरते हैं कि अगर हमने बाबा की वाणी सुन ली तो हम उनसे कन्विंस हो जाएंगे और ये सब छोड़ना पड़ेगा। वैसे काफी लोग डरते हैं कि ज्यादा बाबा से क्लोज हुए तो पीले ने पहना दे। डर से मुक्त करने के लिए हम आपके दोस्त हैं, डर देने के लिए नहीं। जैसे आप किसी पशु को जिंदा भूंज के खा रहे ना, बहुत पैसा धर्म से कमाया है, BMW मर्सिडीज, शीशा नहीं खुलेगा, ऐसी आग लगेगी उसी में भून जाओगे, शीशा खोलने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी आपको, उसी AC गाड़ी में आप, बोले कितने भुने, बोले 8 थे, उससे बचाना चाहते हैं हम आप। अगर गलती हो गई है उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो फटाफट माफ हो जाएगा, बहुत बड़े कृपालु भगवान है। अबलो निशानी अपना सही हो, भगवान के वचन से ही तो हम लोगों को हिम्मत मिली है ना वकालत करने की, उन्हीं की बात सुनकर हमारी छाती फूलती है और कह देते तुम चिंता मत करो, आओ आज से नियम लो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पीछे का हम सब देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। हमारे मालिक के वचन है वो अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि रखते हैं, वो कुछ भी कर ले कभी मंगल होने वाला नहीं। केवल तुम ये बातें छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, पराई माता बहनों की तरफ ये गंदी बात छोड़ दो, नाम जप करो, अगर तुम्हारा मंगल ना हो जाए तो हमारा कहना कुछ नहीं और करना, चाहे जितनी बार तुम गंगा नहाए आओ, चाहे जितनी बार हरिद्वार घूम आओ, ये पापाचरण बंद नहीं करोगे ना तो नरक मिलेगा तुम, पक्की बात समझो, और ये आचरण बंद कर दो और राधा 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 राधा, पक्की बात भगवान की प्राप्ति हो जाए। पापाचरण करने वाला कभी ये सब नाटकबाजी मानी जाए, इसे दम्भ माना जाएगा, इसे पाखंड माना जाएगा, ये भगवत मार्ग नहीं। भगवत मार्ग में है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार चले, मर्यादा से रहे। गृहस्थी में जिस पत्नी से पाणी ग्रहण किया एक सीमा, जिस पति से पाणी ग्रहण किया एक सीमा, हमारा धर्म है, हम भारतीय है, हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा से चले, अभी शांति प्राप्त होने लगेगी। या जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली अंडा खाने वाले, बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते, तो मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, पानी की तरोई है मछली, तो पानी की तरोई है वो, बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग, ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए ऊपर, ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी, धीरे धीरे घंटों में तड़प, अब मुंह बंधाया आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प करो मर रहे, और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक करे, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, और वहां यहाँ एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए, जैसे यहाँ 1-15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास। होश में ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है, जीवन का आनंद चरित्र की पवित्रता से है, ये हमारी समाज समझे। हम विदेशी नहीं है, हम भारतीय है, हमारा चरित्र ही पूजा जाता है, हमारे तुम दूसरों के चरित्र को अच्छा चाहते हो लेकिन अपना चरित्र बिगाड़ते हो, कैसे बने?
आप जैसे मान लो आप है पुरुष है, आप चाहोगे चरित्रवान लड़की मिले, तो आप लौट कर थोड़ा अपनी तरफ देखिए आपका चरित्र कैसा है। तो हम अपने चरित्रों को सुरक्षित रखें तो हम भारतीयों का सब हृदय जुड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। जब धर्म से चलेगा तो पूरा परिवार भागवती, धर्म एक सुख प्रदान करने वाली वस्तु है। आज कौन जान रहा है धर्म किसे कहते हैं, कौन जान रहा है चरित्र किसे कहते हैं। रुपया तो कभी भी मिल जाएगा, चरित्र वापस आएगा। एक बार चरित्र दूषित हो गया अपने जीवन का, अब रुपया तो चला गया तो हम और कमा लेंगे, लेकिन चरित्र कहां लाएंगे, जीवन दूषित हो गया। जीवन की पवित्रता को आज खिलवाड़ समझा जाता है। इसीलिए भाई अब हमारा तो यही एक मत है कि अगर अध्यात्म को जाना जाए, शास्त्रों को सुना जाए, धर्म को जाना जाए, उस पर चला जाए, तो अब भी सुधार हो जाता है। आज के समय में एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, ये तो मतलब ऐसे समझ लो जैसे रात्रि में सूर्य उदय हो जाए, भला असंभव है ना, ऐसे अब असंभव हो रहा है। ये बड़ी असंभव की बात हो रही है, क्योंकि 10 दिन ये बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, या ये गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, ये बच्चे जानेंगे एक पत्नी व्रत, ये बच्चे जान पाएंगे कि एक पति व्रत, कैसे जान पाएंगे भाई। हम ये नहीं कहते दोस्ती ना करो, हम ये नहीं कहते प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो, लेकिन अपने दोस्त का शोषण करो ये कौन सी दोस्ती होती है। आग लगे ऐसी दोस्त और दोस्ती में, अगर बच्चा और बच्ची दोनों प्रेम करें हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तब तक जब तक पानी ग्रहण ना हो जाए तब तक शरीर स्पर्श मत करो। धर्म से चलो, दोनों दोस्त बनकर पढ़ो लिखो हंसो खेलो, हमें कोई परेशानी। क्या आप ये पसंद करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ घूमती नजर आवे, और क्या वो पत्नी पसंद करेगी कि आप किसी और के गले में हाथ डालकर घूमते नजर आए, फिर ऐसे आचरण क्यों करते हो। आज जो समाज में बढ़ रहा है बहुत धूर्तता है, बहुत ही अंधता है अज्ञान की, इससे भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो, नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, कहिए कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, सुन लीजिए। इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो विदेशी नहीं हो तुम, यहां जो वर्णन हो रहा है वो बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक। जो पाखंड करता है साधु भेष में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम साधु भेष रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको। नहीं, देखो अगर साधु भेष धर कर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते चूक, लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझ के वही करते रहना, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है, और ये पाप उनको घोर दुख में नरकों में ढकेलते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा गलत कामों में लगी है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है, और बचपन के दोस्त भी गलत रास्तों पे चल चुके हैं, और साथ रहने के कारण कभी कभी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि श्री जी कृपा से आज तक कुछ गलत कार्य नहीं हुआ। बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चारण किया जाता है। धर्म का नाश, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, कुछ भी अच्छा नहीं है। मित्रता है हमारी, आपकी मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा, बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या, ये आप खिलवाड़ समझते हो। ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। सिद्धांत की बात सुन, दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रौर और नर्क उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरे पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, तो बोले परिवनिता सुच कूटशाल मलीशु, कूटशाल मलीशु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती है। दूसरे की पत्नी के साथ जो संभोग करता है उसे कूट सालमली नरक में डाला जाता है। कैसा होता है, जैसे खजूर का जैसा लंबा पेड़, भाले जैसे कांटे उसके ऊपर से छोड़ दिया गया, मरना वहां है नहीं। जो परिस्त्री गमन करता है, भारी कष्ट ले लो, मनमानी, बोले जीवन मौज मस्ती का ले लो, मौज मस्ती की जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता है, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। वो दूर से ही कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं।